हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो फ्रेंड्स ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर के जो न्यू लिस्ट आई है उसमें जो डीबी कराने वाले एस्पिरेंट्स अपियर होने वाले उनके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स इस वीडियो की इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम में आपके डीबी हुई थी 3210 बच्चों को जो बुलाया गया था उसमें 1 से 1.5 हजार बच्चे लगातार 1.5 से 2 महीने तक यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन का चक्कर लगाए। वो मिस्टेक क्या थी, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो 3 से 4 प्रपत्र आता है, अभी मैं स्लाइड से लगातार आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फिल करना है। इसमें मिस्टेक के कारण उनको कई बार एप्लीकेशन जमा करना पड़ा, कई सारे डॉक्यूमेंट्स वो करने पड़े और कुछ गलतियां जिनके वजह जैसे आपके प्रपत्र जो आता है वो मैक्सिमम टाइम्स आपको 5 बार डाउनलोड करने की वो दी जाती है और कई स्टूडेंट्स का भी उसमें भी छूटा है कि उसने बार बार लगातार गलतियां की है। साथ ही साथ फिल करने में जो ढेर सारी गलतियां हुई है, अगर मेजर मिस्टेक हुई तो वो 170 की लिस्ट में बाहर भी हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं पूरी डिटेल्स इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक मिनट के लिए यहां पे रुकते हैं और साथ ही साथ मैं डिस्कस कर देता हूं कि जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे कि वीडियो रिजल्ट को लेके कि एक मंत्री मोती सिंह जी के द्वारा ये प्रपत्र भी और अमर उजाला की कटिंग भी देख सकते हैं न्यूज़पेपर की, कि इनके द्वारा अपील की जा रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत तरीके से अपना सिलेक्शन पाया है। एग्जाम हॉल में 1-2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन भर के उनका सिलेक्शन हुआ है और इसमें यूपी ट्रिपल एससी की लीपा पोती सब बता रहे हैं ये इधर उधर का। तो ढेर सारे स्टूडेंट का मैसेज और मेल आ रहा है, कई सारे वीडियो में कमेंट में कि क्या सर वो रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक मिनिस्टर के कह देने से वो रिजल्ट कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या होता है ये ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को क्लियर की जाएगी। तो फ्रेंड चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं वो 5 प्रपत्र, मैं आपको बारी बारी से एक एक वो फिल करके बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा इसमें, तो लास्ट तक प्लीज वीडियो को जरूर देखते रहिए। फ्रेंड्स ये रहा आपका सबसे पहला प्रपत्र, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, कुल मिला के 4 प्रपत्र होते हैं, तो इसमें सबसे पहला पेज ये होता है और अपने डॉक्यूमेंट जितने भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके सबसे ऊपर यही डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है, ये पेज आपका लगता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इस सेवा में जैसे यहाँ पे दे रखा है दिनांक भी दे रखा होगा आपने इस तारीख को डाउनलोड किया है और नेम में सेवा में श्रीमती नेम आपका दिया होगा, साथ में फादर्स नेम दे रखा होगा और ये देखिए पहली लाइन में लिखा है कि आयोग विज्ञापन संख्या इतना और आपको सूचना निर्देश किया गया आयोग ने 27/7, ठीक है। आपके डेट मेंशन होगी, साथ ही साथ आपको टाइम मेंशन किया गया होगा कि आपको यहां पे मतलब यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस पिकअप भवन में जाके 3rd फ्लोर में ये आपका डीबी करवाना होगा। तो ये पहला पेज था, साथ ही साथ मैं सारी चीजों को डिस्कस कर देता हूं फ्रेंड्स यहां पे, आप पूरा लगातार लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा इसको। फ्रेंड्स उस पेज के नीचे डायरेक्ट आपका ये पेज होगा, मैंने रिस्पांस के लिए थोड़ा सा इनके नाम को और डेट ऑफ बर्थ को गायब किया है क्योंकि भाई किसी की पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर की जानी चाहिए, तो मैंने इसको गायब किया है और यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ ये इरेज हुआ है आवेदक का नाम और अनुक्रमांक ये ऑलरेडी प्रिंटेड होके आएगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से आपको टिक आउट करना पड़ेगा, क्या आवेदक विज्ञापन में आवेदन सबमिट करने अंतिम तिथि से पूर्व तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारण करता है, इन दोनों को जैसे आपका पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है तो यहां पे आपको देखो यहां पे जो यस है हाँ तभी तो आपने फिल किया है तो हाँ हाँ यहां पे टिक लगाना पड़ेगा या साइड में आप हाँ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यहां से आप हाँ भी लिख सकते हो। फ्रेंड्स एक एक पॉइंट को देखते जाइएगा, नहीं तो अगर आपने क्लियरिफिकेशन यहां पे गड़बड़ भरी और वहां रीचे हो, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होता जाता है कुछ दिन बाद ये रिजल्ट आता है, इसके बीच में आपका सारा डॉक्यूमेंट एक एक पॉइंट चेकआउट होता है, इसलिए प्लीज इतनी बड़ी मिस्टेक मत कीजिएगा नहीं तो आप दौड़ लगाते ही रहोगे। क्या आवेदन आयु के अनुसार पात्र है, तो यहां भी हाँ हाँ दोनों को करना है। यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी है तो क्या आयु सीमाओं का छूट लाभ प्राप्त है या कर रहा है, तो यहाँ पे भी हाँ आपको करना पड़ेगा जिन लोग उसका प्रॉफिटेबल है। क्या आवेदक आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी है, यदि हाँ तो श्रेणी का सही निशान लगाइए, एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका है उस पर आप क्लिक आउट करोगे, ठीक है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ये सब आपको कर देना पड़ेगा। लास्ट में जो सब लोगों के स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है वो मैं बता दूं, हाई स्कूल प्रमाण पत्र है तो यहां भैया हाँ करना है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, देखो यहां भी टिक आउट कर सकते हो आप, यहां भी हाँ कर सकते हो, ठीक है। आईटीआई 2 वर्षीय प्रमाण पत्र यहां सीधा सीधा कह दिया गया, अगर आप आरक्षण की स्थिति में है मतलब आरक्षण रिजर्वेशन आपको मिल रहा है तो आपको जाति प्रमाण पत्र, साथ ही साथ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र लगाना ही नहीं, मैंने कई सारी वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो आपको ये दोनों लगाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे आपके पास में
कुछ बड़ी डिग्री है वो आप लगा सकते हो, या एनसीसी वगैरह का। इसमें इसमें क्या होता है, अधिमान्य अर्हता का मतलब होता है कि जैसे अभी दो लोगों का नंबर बराबर हो रहा है और एक दो का गैप हो रहा है और एज भी बराबर होता है, तो अगर आपके पास ये बेहतर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वाले उनसे उच्च श्रेणी में, तो आपको वरीयता दी जाती है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अन्य कोई विवरण यदि हो तो पृष्ठ पर अंकित करें, तो आप नहीं कर सकते यहाँ पे। और फिर जस्ट इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे आप, एक मिनट थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। हाँ, ये जस्ट नीचे देखिए, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका नियर अबाउट सब पे माना जाएगा। ठीक है, सत्यापन कर्मी के हस्ताक्षर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे करके गए थे तो उनका मतलब बहुत सारे वहाँ पे गुस्से में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कॉपी वगैरह मतलब ये सब चीज़ें देख रहे थे, मैं था उस टाइम वहाँ पे। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको सबको जहाँ आपके अभ्यर्थी का मांगे, ये सीधा सीधा लिखा रहता है अभ्यर्थी का, तो वही चीज़ आपको क्या करना है, फिल आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं प्रपत्र नंबर एक पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका प्रपत्र नंबर एक। ठीक है, इसमें आपको देखना होगा ये सारी डिटेल जो प्रिंटेड हुई है इस टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्लेरिफिकेशन के लिए वो किया है यहाँ पे, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हटा दे रहे हैं इसको, तो रिप्रेजेंटेशन में है इसमें, तो ये चीज़ें यहाँ से आप क्लेरिफाई कर सकते हो फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे, और ये रहेगा आपका प्रपत्र नंबर एक। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फोटो लगानी पड़ेगी, 3x4 सेमी साइज का, जो भी है इसके आकार में आ जाएगा आपके प्रपत्र में, ताकि लग जाए, और एक फोटो के ऊपर ही तिर्यक आपको, तिरछे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये जो प्रिंटेड चीज़ है वो आपको ऑलरेडी इसमें दिया रहेगा, अभ्यर्थी का नाम वगैरह यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, तो ये सब आपको दिया रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको फिल आउट करना पड़ेगा, यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको बारी बारी से, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना पड़ेगा, ये है आपका। ठीक है, ये शब्दों में भी आपको फिल करना पड़ेगा, जरा यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे शब्दों में करना पड़ेगा, अभ्यर्थी के पिता का नाम, ठीक है, यहाँ पे पिता का जन्म स्थान, ठीक है, पिता या पति यदि मृत हो तो अंतिम पता, जो भी है इसमें कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिल कर दीजिएगा। क्या पिता या पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली, हाँ तो पूरा विवरण दीजिए, तो यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है, या तो कुछ नहीं निकला है लिखना है, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका, क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता जन्म था दिव्यास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दीजिए। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे एक मिनट, हाँ यदि यह नहीं होता है तो आपको करना पड़ेगा, आई होप कि सब इंडियंस ही होंगे, ठीक है कोई बाद में नागरिकता नहीं ग्रहण किया होगा, तो इसमें आपको कुछ भी फिल आउट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वो उसमें नहीं करना है, उसमें हाँ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते, यदि हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, हाँ या नहीं में अगर आप होते हो तो आपको जात या वर्ग ये सब चीज़ें, ठीक है, आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, रिजर्वेशन वही सेम चीज़ है, इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी फ्रेंड, तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो बार बार वो मतलब पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि अगर कहीं माइनर मिस्टेक होती है तो आपने दूसरी बार सही किया ही नहीं, तो यहाँ पर हाँ या नहीं का जो भी आप अगर एलिजिबल हो तो कर दीजिएगा। क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो हाँ या नहीं में आप अपना कर दीजिएगा, जैसा जिसका मार्टियल स्टेटस हो, तो यदि हाँ तो अभ्यर्थी एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, कुछ भी ये है तो हाँ नहीं मैं अपना कर दीजिएगा। यहाँ पे आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे स्टूडेंट काफी सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस चीज को इसीलिए पर्टिकुलर वीडियो बनाया कि फ्रेंड्स ये मिस्टेक आप मत करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देना चाहूँ, बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे आपसे क्या मांगा गया था, आपसे मांगा गया है हाई स्कूल का, ठीक है, और साथ ही साथ में किसका मांगा गया था, आईटीआई का, तो फ्रेंड्स आपको ज़रूरी नहीं है किसी और चीज़ को भरने का। ठीक है, आप हाई स्कूल का भरिए, और इसके नीचे आपको एक कॉलम मिलेगा, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट, ये रहा आपका, तो यहाँ से आप इसको मेंशन कर सकते हो, अन्य शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा और अदर चीज़ों में। ठीक, तो यहाँ पे आपने जो विषय लिखा है उसको मेंशन करना है, ग्रेड करना है, ईयर वगैरह डालना है, श्रेणी प्राप्तांक, प्रमाण पत्र संख्या, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हाई स्कूल के अंक पत्र नहीं प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पे डालनी है, ये चीज़ आप सब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्राप्त विशिष्टता का विवरण तो यहाँ पे कुछ खास आपको नहीं डालना है, और आपको डिप्लोमा आईटीआई और ट्रिपल सी मांगा गया था, तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ों को मेंशन करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें खेल कूद सारीक्षा यदि इसमें हो, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं, और लास्ट में उसको पिंच आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्ति का विवरण, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि वो प्रेंटिस कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर आपको ऐसा कुछ भी है चीज है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है,
यही चीज बस आपको करना है। अगर आपने छोड़ भी है तो छोड़ने की स्थिति में दशा में पद छोड़ने का तिथि वगैरह सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका अनिवार्य प्रवर्धित प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और, यहाँ पे है अनिवार्य प्रमाण पत्र, पहले तो आपका हाई स्कूल, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड, इन्हीं दोनों चीजें में लोग चेंजेस करके जा रहे हैं तो जो वहां पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। पहला होगा आपका हाई स्कूल प्रमाण पत्र, दूसरा होगा आपका ITI, ये अनिवार्य प्रमाण पत्र है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका CCC, ये तीनों चीज इसमें मेंशन करना है। अधिमानी में अगर आपके पास में इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, तो ये आपका फिल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं उनका प्रमाण पत्र संख्या। प्रमाण पत्र संख्या ही डालना है आपको, वो नहीं डालना है फ्रेंड्स, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अंक पत्र का क्रमांक नहीं डालना है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो भी है, ये NCC सर्टिफिकेट वगैरह ये सब है, तो ये चीज है जो इस टाइप इस तरफ आपके बाएं साइड में लिखी गई, इन सब को अच्छे तरीके से पढ़ के इसको फिल आउट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बारी बारी से सब बताएंगे तो ये काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ भी कमेंट आता है तो उनके पास में ये रसीद गायब हो गई है, ये बैंक चलान की है, तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आप नहीं भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना नाम डालना है, ठीक है, और उसके बाद ये डेट दिनांक जिस दिन आपको ले जाना हो उसी दिन का डाल सकते हो, यहाँ पे पूरा पता वता सब कुछ डालना। देखिए पूरा पता वगैरह सब कुछ बार बार आपको डालना पड़ेगा तो घबराइएगा नहीं। तो फ्रेंड्स ये है आपका प्रपत्र नंबर 2, ठीक है, सेम चीज ऐसे है, पूरा अपना अफिलेटेड होके आ जाएगी। यहाँ पे पिता का पूरा नाम, अगर उपनाम कोई है तो उसके साथ में डालना है, माता का पूरा नाम उपनामों के साथ में। देखिए दो चीज है यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा मत करिएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता है, पिताजी है, माता की है, दोनों पिता पति पत्नी का अगर है आपके पास में तो मेंशन कर दीजिए। अगर लेडी गर्ल्स हैं तो पति अगर शादी हुई है तो वहाँ पे उनका मेंशन कर सकती हैं, अगर आपकी शादी हुई है, अगर मेल हैं आप तो फीमेल का मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं करना है। ये जन्मस्थान पति पत्नी का मेंशन करना चाहे तो अगर हैं मतलब आप वैलिड हैं तो आप कर सकते हो। स्थानीय निवास का पूरा पता यहाँ पे सब कुछ डालना है, ठीक है, मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो फिलहाल तो कोई नहीं होगा, ये आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, ठीक है, ये सब चीजें करनी है। एक चीज और है शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान स्कूल और कॉलेज में व्यतीत किए गए, तो यहाँ पे पूरा मेंशन कर, जैसे आपने कहीं से ITI किया है या 15 ईयर्स के बाद की एज का, तो कॉलेज का मेंशन कर सकते हैं, प्रवेश तिथि, छोड़ने का दिनांक और परीक्षा जो पास की हो, जैसे ITI की हो, हाई स्कूल की हो, ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर का नहीं करना है। एक चीज है फिर से यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछा गया है कि जिस पद पे आपने काम किया है उसका विवरण देना है, अगर आपने किया अप्रेंटिस किया है, कोई जॉब कर रही है, नौकरी छोड़ी हो, तो वो चीज यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि आपने कभी किसी द्वारा न्यायालय के द्वारा गिरफ्तार किए गए, दोष सिद्धि के ये सब कुछ हुआ, दंड वंड मिला, अगर कुछ ऐसा हो तो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं हो तो कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सेम चीजें नीचे भी दे रखी है, ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पे आपका दिनांक, स्थान और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर पूरा पता, ठीक है। ये पेज नंबर मतलब प्रपत्र नंबर 2 था, 3 और 4 कुछ कमी पेज में है, फटाफट बता देते हैं उसको। फ्रेंड्स ये है आपके प्रपत्र नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में आपको ऊपर हिंदी में मेंशन, यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा यहाँ पे, और पिता पति का ये जो मार्शल स्टेटस है ये भी मेंशन करने पड़ेगा, जन्मतिथि अंकों में है, शब्दों में भी मेंशन करेगा, स्थायी पता, प्रत व्यवहार का पता, अगर आपको दोनों चीज एक ही है तो दोनों में एक ही चीज आप फिल आउट कर सकते। देखिए यहाँ पे सेवा पद का नाम, आप जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या डालना है, यहाँ पे डालना है आपका, देखिए थोड़ा स्लाइड ये है आपका, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम 2016, बस यही डालना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है। यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है जिससे है सैनिक रूप के अभ्यर्थी हैं, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं। परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हैं, फिर से वही चीज इसमें पूछा गया, तो आप सेम चीज को रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देशना पत्र, इसमें कुछ नीचे आपको हस्ताक्षर वगैरह नहीं करना है। डिस्कस कर लेते हैं आपके प्रपत्र 4 को। तो फ्रेंड्स ये है आपका प्रपत्र नंबर 4, जो कि आपका सबसे लास्ट प्रपत्र है, लेकिन मैक्सिमम मिस्टेक स्टूडेंट द्वारा यहीं पे की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है एक चीज, देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका, ठीक, यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का दे रखा है, ठीक है, फिर ये इंटरमीडिएट का दे रखा है, स्नातक का दे रखा है, स्नातकोत्तर का दे रखा है, ठीक है, और यदि कोई हो तो यहाँ पे भी मेंशन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या काम है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, ये तो 3 मैंडेटरी सब्जेक्ट आपको दे रखा है जो कि हाई स्कूल में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। और साथ में और भी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हाई स्कूल में आपके संस्कृत वगैरह हैं, जो सोशियोलॉजी वगैरह है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राप्तांक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पूर्णांक लिखना पड़ेगा, ये आपका हाई स्कूल का हो गया। इंटरमीडिएट में जैसे आपके हिंदी है बिल्कुल थी, अंग्रेजी है थी, गणित थी, हाँ तो ठीक है, और लेकिन इंटरमीडिएट आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, तो आप यहाँ
यहाँ पे जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया हाई स्कूल के, तो यहाँ पे स्पेस है आपके पास में, तो केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब मेंशन करके जस्ट उसी के सामने इंटरमीडिएट में फिल करना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे कॉमन कर देते तो आपका ये वाला सब्जेक्ट समझा जाने लगेगा, ठीक है। जो कॉमन है उनको कॉमन के सामने लिखना है और जो डिफरेंट है उनको नीचे करके मेंशन करना है। तो हाई स्कूल इंटर ही डालेगा, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। अब एक चीज़ और आपको डालना है क्या, यदि अन्य कोई हो तो भाई ITI आपके पास में है तो ITI यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन किया यहाँ पे ITI लिखना है और इसके सब्जेक्ट को, बहुत सारे स्टूडेंट का सेशनल वाइज होगा सेमेस्टर वाइज होगा, तो इसके सब्जेक्ट को सबसे नीचे, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा वो दे रखा है आपको, क्या नीचे स्पेस दे रखा है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन कर दीजिएगा और जस्ट इसी के सामने इसके नीचे आपको जो ITI वाला काम है इसके नीचे आपको मार्क्स को मेंशन कर देना। अब सबसे लास्ट में आपको करना है ये कॉलम आपका बचा है हाई स्कूल का, ये हाई स्कूल का है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का है। तो पहले तो आपको श्रेणी मेंशन करना है, यहाँ पे श्रेणी मेंशन करना है और यहाँ पे योग लिखना है, श्रेणी मेंशन करना है योग लिखना है, सेम चीज़ यहाँ पे श्रेणी मेंशन करना है योग लिखना है और एट लास्ट में सबसे लास्ट में इनका पूरा फाइनल योग कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है, नीचे लिखा मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त प्रविष्टियाँ मेरे द्वारा विश्वास के अनुसार सही अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सारे प्रपत्र के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर अभी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड और यूपी त्रिपुरा से कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्टेंट अपने मोबाइल पे यूट्यूब चैनल के थ्रू पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ले। फ्रेंड्स एक मेक श्योरिटी आप जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को प्लीज मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट जो अपियर होने वाले हैं DB में, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर लास्ट तक आपका, मतलब सेप्टेम्बर लास्ट या अक्टूबर के पहले ही वीक में आ जाएगा आपका, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलना, इसलिए सारी चीजों को आप पहले से कलेक्ट करके रखिए और ये वीडियो फॉर्म भरते समय एक बार फिर से आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।